क्या यह संभव है कि किसी तहसीलदार यानी रेवेन्यू ऑफिसर की पेट्रोल डालकर उसके ही दफ्तर में आग लगाकर उसकी जान ले ली जाए यानी उसे जिंदा जला दिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ है तेलंगाना के एक शहर में जहां की विजया रेड्डी नाम की तहसीलदार कार्यरत थी। इन्हें सुरेश नाम के एक आरोपी ने जमीन के कथित विवाद को लेकर उनके कार्यालय में पहले वो मिलने के लिए आया। कार्यालय में उसने कुछ देर बात की और फिर देखते ही देखते उसने विजया रेड्डी के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। कर्मचारी तहसीलदार को बचाने के लिए दौड़े लेकिन तब तक तहसीलदार बुरी तरह से जलकर राख हो गई। उनकी वहीं पर मृत्यु भी हो गई और बचाने आए कर्मचारी भी जलने के कारण घायल हो गए। सुरेश को हालांकि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है लेकिन दिल दहलाने वाली यह घटना तेलंगाना में हुई है जहां पर विजया रेड्डी कार्यरत थी। बताया जाता है कि विजया रेड्डी अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थी। 2 साल पहले उसे बेस्ट रेवेन्यू अधिकारी का अवार्ड भी मिला था और सुरेश जमीन को अपने नाम कराना चाहता था लेकिन उस जमीन पर कई लोगों के दावे थे। इसी वजह से विजया रेड्डी द्वारा उसके नाम जमीन करने से इनकार किया जा रहा था। 2 बच्चों की माँ, 10 साल की बेटी और 8 साल के बेटे की माँ विजया रेड्डी को देखते ही देखते सुरेश नाम के इस वहशी व्यक्ति ने जिंदा जला दिया और उनके ही कार्यालय में। वह केबिन में घुसा, उसके बाद उसने वो पेट्रोल का केन साथ में लाया था, उसने बात करते करते ही विजया पर पेट्रोल छिड़क दिया और उसके बाद आग लगा दी। इस पूरी घटना को लेकर तेलंगाना के प्रशासनिक जगत में भारी खलबली मची हुई है, हंगामा मचा हुआ है कि किस तरह से एक ईमानदार तहसीलदार को जिंदा जला दिया गया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।